नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपना अगला मुकाबला 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है और इस मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका के टीम को धूल चटाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच शुरू होने से पहले ही अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के लगातार 7 मैचों में जीत हासिल करने के बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव दिया है और प्लेइंग 11 में उन्हीं खिलाड़ी को शामिल किया है जो साउथ अफ्रीका के टीम को श्रीलंका की तरह धूल चटाकर रख देंगे। और इन खिलाड़ियों को देखकर साउथ अफ्रीका के कप्तान टॉम लेथन सहित पूरे टीम डर से कांप रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है और किन किन फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के कौन सा खिलाड़ी शतक जड़ेगा, नीचे कमेंट में अपना कीमती राय जरूर दें। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार की ट्रॉफी अपने नाम करे तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला 5 नवंबर दिन रविवार को ईडन गार्डन कोलकाता में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजी की बात किया जाए तो कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि रोहित शर्मा पिछले मुकाबला में श्रीलंका के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए थे और मात्र 4 रन ही बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इससे पहले हर मैच में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए विस्फोटक अंदाज में रन बनाए हैं और वर्ल्ड कप 2023 में तो काफी शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम के खिलाफ काफी जबरदस्त रन निकलने वाले हैं। वहीं पिछले मुकाबला में रोहित शर्मा के आउट हो जाने पर भारतीय टीम के खूंखार बल्लेबाज शुभमन गिल ने धमाकेदार अंदाज में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों का धजिया उड़ा कर रख दिए थे। भले ही शुभमन गिल के बल्ले से इससे पहले ज्यादा रन देखने को नहीं मिला था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं उसी प्रकार श्रीलंका के टीम के खिलाफ खरा उतरे और सभी फैंस को संकेत भी दे दिए कि वह फॉर्म में वापस लौट आए हैं। भले ही शुभमन गिल के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ शतक नहीं आया, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 92 रनों का शानदार पारी खेली और उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शुभमन गिल के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर रन मशीन विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। दोस्तों विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में अभी तक बहुत ही खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली अब तक वर्ल्ड कप में 4 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से 442 रन बना चुके हैं और वर्ल्ड कप में अब तक हर मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और पिछले मुकाबला में भी श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 88 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी विराट कोहली के बल्ले से जलवा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को मौका दिए हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबला में श्रीलंका के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेलकर सभी भारतीय विरोधी फैंस का आंख खोल दिया। भले ही इससे पहले श्रेयस अय्यर की काफी बुराई हुई, लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने किसी की बात नहीं सुनी और श्रीलंका के खिलाफ श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताते हुए प्लेइंग 11 में शामिल किया और रोहित शर्मा के उस भरोसा पर खरा उतरने में कामयाब रहे और उस मुकाबले में मात्र 56 गेंदों की सामना करते हुए 3 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के की मदद से 82 रन की तूफानी पारी खेली और उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार पारी खेलते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों 5वें नंबर पर रोहित शर्मा ने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को मौका दिए हैं। दोस्तों केएल राहुल खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और वे लगातार शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केएल राहुल भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर हर मैच में रन बना रहे हैं। दोस्तों केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आकर दूसरे बल्लेबाजी के साथ बेहतरीन साझेदारियां कर रहे हैं और ढेरों रन बना रहे हैं। भले ही पिछले मुकाबला में श्रीलंका के खिलाफ ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव को फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को तो आप भली भांति जानते हैं कि वह कितना विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वे जब तक पिच पर डटे रहते हैं तब तक चौके और छक्के की बारिश होती है। भले ही दोस्तों सूर्य कुमार यादव श्रीलंका के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने में अपना अहम योगदान दिए थे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ
मिस्टर 360 डिग्री के हिसाब से बैटिंग करते नजर आने वाले हैं। उसके बाद रोहित शर्मा सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। दोस्तों रविंद्र जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था और मात्र 4 गेंदों में 1 विकेट झटके थे और थोड़ा सा ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा पिछले हर मैच में विकेट चटका रहे हैं और उनकी गेंदबाजी में काफी खतरनाक धार देखने को मिल रहा है। रविंद्र जडेजा अपने फील्डिंग और बल्लेबाजी के लिए भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और अब साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबला में भी रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के जीत में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं 8वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किए हैं। दोस्तों मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में अभी तक 7 मैच में से केवल 3 मैच ही खेले हैं और इन तीनों मैच में ही विरोधी टीम को कहर बरपा कर रख दिए हैं। पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट झटके थे, फिर श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में 5 विकेट लेकर श्रीलंका के पूरे कमर तोड़ दिए। दोस्तों मोहम्मद शमी इस समय काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी शानदार लय में भी नजर आ रहे हैं। शमी ने पिछले तीनों मैच में कुल 14 विकेट लेकर साबित कर दिखा दिया और टीम मैनेजमेंट को बता दिया कि उसको बाहर बैठाना इतना आसान काम नहीं है। मोहम्मद शमी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और इसी एक्सपीरियंस के दम पर वर्ल्ड कप में गुच्छे में विकेट चटका रहे हैं और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मोहम्मद शमी का जलवा देखने को मिलेगा। उसके बाद 9वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों कुलदीप यादव इस वर्ल्ड कप में तुर्क का इक्का साबित हो रहे हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। कुलदीप यादव लगातार हर मैच में विकेट चटका रहे हैं। वे अपने फिरकी की जाल में किसी भी बल्लेबाज को फंसाकर ढेर कर सकते हैं, इसलिए कुलदीप यादव लगातार 9वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों 10वें नंबर पर खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। वे भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक यॉर्कर और स्पिन करते हुए गेंदों से बल्लेबाजों को आसानी से पवेलियन का राह दिखा देते हैं। बुमराह ने पिछले मुकाबला में श्रीलंका के खिलाफ मात्र 1 विकेट झटके थे लेकिन 5 ओवर में मात्र 8 रन दिए थे। जसप्रीत बुमराह शुरुआत से ही नई गेंदों से विकेट झटका रहे हैं और लास्ट के डेथ ओवर में काफी खतरनाक यॉर्कर गेंद फेंक रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय टीम के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी कम इकोनॉमी के साथ विकेट भी चटका रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खतरनाक गेंदबाजी करते नजर आएंगे। उसके बाद 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। दोस्तों मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाज है। जिस दिन उनका दिन रहता है उस दिन विरोधी टीम को ढेर कर देते हैं और श्रीलंका के टीम के खिलाफ उन्होंने 7 ओवर में मात्र 16 रन देकर 3 विकेट झटके थे और इससे पहले एशिया कप फाइनल में भी श्रीलंका के टीम कई परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे और अब उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम के खिलाफ भी मोहम्मद सिराज गिल्ली बिखारते नजर आएंगे।